835 साल पुरानी परंपरा बावन गांव में दूसरे दिन बांधी गई राखी। युद्ध के विजय उत्सव के रूप में शुरू हुआ कजलिया उत्सव। जिले की गौरिहार तहसील और बारीगढ़ नगर परिषद के कई गांवों सहित महोबा राज्य का हिस्सा रहे बुंदेलखंड के बावन गांवों में रक्षाबंधन के दूसरे दिन राखी का त्योहार मनाया जाता है। इसी कारण मंगलवार को इन गांवों में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। ये परंपरा राजा परमार के जमाने से चली आ रही है। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस दिन महोबा रियासत के सेनापति आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराकर विजय हासिल की। इसके बाद राजकुमारी चंद्रावली ने दोनों को रक्षा सूत्र बांधा, तब रक्षाबंधन का त्योहार दूसरे दिन मनाया जाने लगा। तब से इस क्षेत्र के लोग इस दिन को विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। पूरे देश के सभी भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। पर जिले में गौरिहार बारीगढ़ क्षेत्र के 20 गांव सहित महोबा उप्र के 52 गांव के लोग पूर्णिमा की दूसरे दिन प्रथमा पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में 835 साल से चली आ रही इस परंपरा को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस कजली उत्सव को देखने के लिए छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, बांदा, झांसी, उरई सहित बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग इस उत्सव को देखने के लिए महोबा पहुंचते हैं। बारीगढ़ क्षेत्र के 75 वर्षीय पंचम सिंह, 80 वर्षीय पूरन रजक ने बताया कि सन 1182 में राजा परमाल की पुत्री चंद्रावली 1400 सखियों के साथ कजलिया विसर्जन के लिए कीरत सागर तालाब की ओर जा रही थी। रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की योजना थी कि राजकुमारी चंद्रावली का विवाह उनके बेटे सूरज सिंह से कराया जाए। इस दौरान वीर सैनिक आल्हा उदल को राजा ने किसी बात को लेकर राज्य से निष्कासित कर दिया। वह कन्नौज में रह रहे थे। रक्षाबंधन के दिन कजलिया विसर्जित करने जा रही राजकुमारी चंद्रावल को पृथ्वीराज की सेना ने घेर लिया। सेना में आल्हा उदल न होने पर महारानी मल्हना ने युद्ध किया। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध चला और राजकुमार अभय मारा गया। तब पृथ्वीराज की सेना राजकुमारी चंद्रावली को ले जाने लगी। वीर सैनिक आल्हा उदल ने अपने मित्र मलखान के साथ मुकाबला किया। इस मुकाबला राजकुमारी को बचा लिया। तब चंद्रावली और उनकी सहेलियों ने आल्हा उदल सहित अपने भाइयों को राखी बांधी। इसके बाद कजलियों को विसर्जन किया गया। तभी से महोबा रियासत में एक दिन बाद कजलियां विसर्जित और रक्षाबंधन एक दिन बाद मनाने की परंपरा है। इस युद्ध में विजय पाने के कारण ही कजली महोत्सव विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कजलिया महोत्सव के दौरान कीरत सागर तालाब के पास 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लाए गीत, आल्हा गायन और राय जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने के लिए कई राज्यों के कलाकार आए।